जब आप छोटे बच्चे को दूध पिलाते हो, छोटे बच्चे को दूध पिलाते हो तो उसके बाद आप उसको जब उल्टी कराते हो, उसको जब थपकी देते हो कि ज्यादा पी लिया, तो उसके मुंह से दूध निकलता है क्या? दही जैसा कुछ निकलता है। यानी कि दूध को फाड़ने का जो मेरी बॉडी में एंजाइम है वो उस उम्र में होता है, लेकिन अगर आप दूध पी के उल्टी करोगे ना दूध निकलेगा। यानी कि वो एंजाइम अब हमारी बॉडी में नहीं है। वो एंजाइम जो दूध को हजम करने वाला सिर्फ छोटी उम्र में होता है, इस उम्र में नहीं है। इसका मतलब हमें दूध की जरूरत नहीं। हाँ, तो हमें दही की जरूरत है। अगर खानी हो तो दही खाओ, और दही अगर खानी हो तो देसी गाय का प्योर दूध मिले तो दही ले सकते हो। लेकिन हाँ ले सकते हो, लेकिन देसी गाय का प्योर दूध मिले। ये अमेरिकन गायें, जर्सी गायें, HF गायें, इनका दूध पीने लायक नहीं है। लेकिन मार्केट में यही गायें हैं जो आपके घरों में दूध आ रहा है, वो इन्हीं का आ रहा है जो कि पीने लायक नहीं है। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़ डेराबसी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।